हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैक्रम मैजिक आर्ट। आज हम लोग वेस्ट मैक्रम से मैक्रम शॉपिंग बैग बनाएंगे। इसके लिए मैंने मल्टी कलर मैक्रम लिया है। ये मेरे पास वेस्ट मैक्रम बचा था। आप अपने पसंद से जो आपके पास कलर बचा हो वो ले सकते हैं। वुडन स्टिक लिए मैंने, 2 वुडन स्टिक लिए हैं, 12 इंच की लाइटर एंड सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं मैक्रम शॉपिंग बैग बनाना। तो सबसे पहले फ्रेंड हम स्टिक लेंगे एक। इस स्टिक में मैंने ग्रीन कलर का कॉर्ड लिया है। ये मैंने 2 मीटर ईच कॉर्ड लिए हैं, तो ये हम इसमें अटैच करेंगे। इस तरह हमें कॉर्ड अटैच करना है। इस साइड हम 10 कॉर्ड अटैच करेंगे और दूसरी साइड भी हम 10 कॉर्ड अटैच कर देंगे, 2 मीटर ईच। बीच में हमें गैप रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कॉर्ड अटैच कर ली है। दोनों साइड हमने 10-10 कॉर्ड अटैच करी। यहाँ भी 10 कॉर्ड्स हैं और यहाँ भी हमने 10 कॉर्ड्स अटैच करी है। इसके बाद हम 2 कॉट लेके सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो इस तरह हमें सारे कॉर्ड में सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेना है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सिंपल एक एक स्क्वायर नॉट दोनों साइड हमने लगा ली है। इसके बाद हम फिर से 2 कॉर्ड छोड़कर बीच के 4 कॉर्ड लेंगे हम यहाँ से और फिर से सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो इसी तरह फ्रेंड्स, सारे कॉर्ड में हमें फिर से स्क्वायर नॉट लगाना है दोनों साइड। तो फ्रेंड्स, हमने सेकंड लाइन भी दोनों साइड कंप्लीट कर ली स्क्वायर नॉट से। अब थर्ड लाइन में फिर से हम 4 कॉर्ड लेंगे और सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह सारे कॉर्ड में हम दोनों साइड स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने स्क्वायर नॉट से दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम किसी भी कलर के 2 कॉर्ड लेंगे। मैंने लाइट ग्रीन लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इस तरह हम इसे रखेंगे और कॉर्ड से हम पाइपिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। इस तरह हमें पाइपिंग करना है। फर्स्ट कॉर्ड से हमने 2 टाइम करी है, सेकंड कॉर्ड से हम एक बार ही पाइपिंग करेंगे। उसके बाद फिर एक कॉर्ड से हम 2 टाइम करेंगे। हमें एक एक कॉर्ड से डबल पाइपिंग और एक कॉर्ड से हमें सिंगल पाइपिंग। इस तरह हम इसमें पाइपिंग से सारे कॉर्ड को अटैच कर देंगे।
ये हमने फिर से सिंगल पाइपिंग करी है। इस कॉर्ड से हम फिर से डबल करेंगे। फिर सिंगल पाइपिंग करेंगे। एक कॉर्ड से हमें डबल पाइपिंग करनी है और एक कॉर्ड से हमें सिंगल पाइपिंग करनी है। इस तरह पाइपिंग से हम स्कॉट को अटैच कर लेंगे दोनों साइड अटैच कर देंगे हम पाइपिंग से इसको। देखिए फ्रेंड्स, हमने पाइपिंग से कॉर्ड को अटैच कर दिया है। इसके बाद जो बीच में हमें गैप दिख रहा है, इसमें हम कॉर्ड अटैच करेंगे। ये भी हमने 2 मीटर ईच ग्रीन कॉर्ड लिया है, इसको हम यहाँ अटैच करेंगे। अब इसको इस तरह अंदर की साइड से लेकर अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्ड हमने यहाँ अटैच कर दी है। हम 1 कॉर्ड और अटैच कर देंगे इसमें। तो ये जो गैप था हमने इसको फिल कर दिया है। टोटल 9 कॉर्ड हमने यहाँ अटैच करी है। अगर गैप ज़्यादा हो तो आप 9 कॉर्ड से ज़्यादा भी यहाँ पे कॉर्ड अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कॉर्ड अटैच कर लिए हैं। इसके बाद हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम कोई से भी मल्टी कलर हमने जो कॉर्ड लिए हैं वेस्ट मैक्रम में, उसमें कोई सा भी कॉर्ड लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने रेड वाला लिया है, इसके लिए मैं यहाँ पे इतना छोड़ दूँगी, इसे 3 इंच समथिंग में यहाँ छोड़ दूँगी। उसके बाद यहाँ पर पहले मैं पाइपिंग करूँगी। इस तरह मैंने पाइपिंग से कॉर्ड को यहाँ पे अटैच कर लिया है। इसके बाद हम एक कॉर्ड लेंगे, ये कॉर्ड है रेड वाले कॉर्ड को हम इस तरह नीचे से निकालेंगे। फिर से रेड कॉर्ड को हमें ऊपर से नीचे की तरफ अंदर की साइड से इस तरह बाहर निकालना है। सारे कॉर्ड पे हमें इसी तरह पैटर्न बनाना है। इसको हम यहाँ थोड़ा टाइट रखेंगे।
इस तरह हम सारे कॉर्ड पे इसका पैटर्न बना लेंगे। इस तरह सारे कॉर्ड पे हम यहाँ तक रेड कॉर्ड से पैटर्न कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। टू कॉर्ड्स मैंने छोड़े हैं, लास्ट में हम इसको इसी तरह पैटर्न से कवर करेंगे। उसके बाद इस कॉर्ड को हम इसी तरह यहाँ छोड़ देंगे। फिर से हम रेड कॉर्ड लेंगे। पहली बार में हमने इस साइड से कॉर्ड को अटैच करा था, सेकंड बार में हम इस साइड से कॉर्ड को अटैच करेंगे। यहाँ भी हमें पाइपिंग ही करनी है। इस तरह पाइपिंग से हमने अटैच कर दिया कॉर्ड को। जिस तरह हमने यहाँ से पैटर्न करा था, उस तरह हम इस साइड से भी इसी तरह पैटर्न कंप्लीट करेंगे। इसको हमें थोड़ा सा टाइट लेते हुए बनाना है। तो इस तरह फ्रेंड सारे कॉर्ड से हम इसको कॉर्नर तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने रेड वाली कॉर्ड अटैच कर दी। यहाँ मैंने टू कॉर्ड लिए हैं रेड वाला पैटर्न कंप्लीट करने के लिए। आप चाहें तो वन कॉर्ड भी ले सकते हैं, थ्री भी ले सकते हैं, फोर भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ टू कॉर्ड लिया है, इससे पैटर्न कंप्लीट किया है। इसके बाद मैं ऑरेंज कॉर्ड यूज़ कर रही हूँ। इसको अब हमने सेकंड कॉर्ड हमने यहाँ से अटैच करा था, थर्ड कॉर्ड हम फिर से इस साइड से अटैच करेंगे। यहाँ हम पाइपिंग से इसको अटैच कर देंगे। और फिर सेम पैटर्न हम स्टार्ट करेंगे। इसको हमें टाइट ही बनाना है, लूज नहीं बनाना है। तो इस तरह ऑरेंज कॉर्ड भी हम इसमें अटैच कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स हमने ऑरेंज कॉर्ड भी अटैच कर दिया है कॉर्नर तक। अब हमने ऑरेंज कॉर्ड यहाँ से अटैच करा था, सेकंड कॉर्ड हम जो ऑरेंज ले रहे हैं, फिर से मैं ऑरेंज कॉर्ड ले रही हूँ सेकंड। आप चाहे तो सिंगल भी रख सकते हैं, डबल या फिर ट्रिपल भी रख सकते हैं। तो मैं सेकंड कॉर्ड इस साइड से अटैच करूँगी। पाइपिंग की हेल्प से हमें इसे अटैच करना है। ये हमने अटैच कर दिया और सेम बटन हमें स्टार्ट करना है। तो इस तरह फ्रेंड्स हम सारे कॉर्ड जो हमारे पास वेस्ट मैक्रम कॉर्ड बचे हैं, हम उसको इस तरह दोनों साइड से अटैच करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने कॉर्ड अटैच कर लिए हैं। पहले रेड लगाया मैंने, इसके बाद ऑरेंज है, लाइट येलो है, रामा ग्रीन, ये भी लाइट येलो लगाया है मैंने, येलो कॉर्ड है और एक ब्लू है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। ये मैंने पैटर्न इतना बना लिया, इसको ही मैं अब कंटिन्यू करूँगी। शुरू में मैंने रेड लगाया था, फिर से अब मैं रेड कॉर्ड अटैच करूँगी यहाँ पर। बस इसी तरह पैटर्न को कंटिन्यू करते जाना है फ्रेंड्स। मैं इसी पैटर्न को कंटिन्यू करती जाऊंगी जो मैंने ऊपर बनाया है। आप चाहें तो इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। कंटिन्यू करते हुए मैंने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे अब स्टिक लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने दो लाइट कलर के ग्रीन कलर के कॉर्ड लिए हैं, इस पर हम पाइपिंग करेंगे। यहाँ भी हमें सेम प्रोसेस करना है, एक कॉर्ड से हम डबल पाइपिंग करेंगे और एक कॉर्ड से हमें सिंगल पाइपिंग करना है। इस तरह हमें पाइपिंग करना है। तो फ्रेंड्स हमने पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टोटल 60 कॉर्ड्स हैं, इसमें से 20 कॉर्ड्स हम इस साइड छोड़ देंगे और 20 कॉर्ड्स हम इस साइड, बीच के 20 कॉर्ड्स को हम
कट करके पीछे की तरफ स्टिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमने बीच के 20 कॉर्ड को कट करके पीछे स्टिक कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ जो हमारे 20 कॉर्ड हैं इसमें फिर से हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे। 4 कॉर्ड लेंगे हम और फिर से हमें यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट लगानी है सारे कॉर्ड्स में। जहाँ हमने सिंगल पाइपिंग करी है वहाँ हमें थोड़ा कॉर्ड्स को खींच कर लेना है। तो इस तरह सारे कॉर्ड में हम सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक एक स्क्वायर नॉट लगा ली है, वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। फिर से 2 कॉर्ड्स छोड़कर 4 कॉर्ड्स में सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसी तरह सारे कॉर्ड में हम स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस तरह हमने इस साइड 3 स्क्वायर नॉट लगाई थी उसके बाद हमने इसे कंप्लीट कर लिया था, ठीक उसी तरह मैंने इस साइड भी 3 स्क्वायर नॉट लगाई है पहले। उसके बाद मैंने एक तरफ स्टिक को अटैच कर दिया है। इसे किस तरह अटैच करा है ये मैं अब आपको इस साइड बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने कॉर्ड लिया है 1/2 मीटर का, इसको मैंने इसको सुई में डाल लिया है इस तरह। इसके बाद हम इसको पीछे की साइड इसका कॉर्नर स्टिक करेंगे। ये इसे हमें इस तरह यहाँ पे लगाना है, ये हमने स्टिक कर दिया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 2 कॉर्ड लेंगे इस तरह, और ये जो हमने जिसमें जिसको स्टिक करा है हमने, जिसमें हमने सुई डाली है, इस कॉर्ड को हम इस तरह पीछे ले आएंगे। पहले यहाँ पकड़ लेंगे इसे, इसको इस तरह डाल के, और उसके बाद हम इसे इस तरह डाल के नॉट लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह नॉट आ जाएगी। इसको हमें थोड़ा सा टाइट रखना है और हम बाद में भी इसे टाइट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, फिर 2 कॉर्ड्स लेंगे हम। ये हमने 2 कॉर्ड्स लिए, पीछे की साइड इसे ऐसे फोल्ड कर दिया। इसके बाद हम ये जो सुई वाला हमारा कॉर्ड है इसको हम इस साइड से डालेंगे इस तरह। हमें यहाँ पे एक नॉट अटैच करना है इस कॉर्ड से, और इस तरह डाल के पीछे से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हमारी एक नॉट लगती जाएगी इस तरह। और ये हम जो हमारा लूज़ हो रहा है इसका आप चिंता ना करें, इसको हम बाद में टाइट कर सकते हैं। ये दूसरी नॉट हमारी लग के तैयार हो गई है। इसके बाद फिर से 2 कॉर्ड्स लेंगे हम, जिसमें हमारी सुई डली उस कॉर्ड को हम इस साइड से इस तरह निकालेंगे। फिर से यहाँ पे हम डालकर और पीछे से जो हमने हमारा कॉर्ड निकाला है उसके साइड में से निकाल देंगे। जिस तरह हम सिलाई करते हैं उसी तरह हमें यहाँ पे नॉट्स लगाते जाना है। ये टाइट होता जाएगा फ्रेंड्स, बाद में हम इसे और टाइट कर लेंगे। यहाँ से हम इसको बाद में ऐसा खींच के इस तरीके से इसको टाइट कर सकते हैं। ये टाइट होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमें इसे कंटिन्यू करना है। तो फ्रेंड्स, देखिए हमने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया है।
इसके बाद हमारे लास्ट टू कॉर्ड बचे हैं, ये पीछे है हमारा जिसमें हमने सुई डाली थी, ये टू कॉर्ड्स हमने ऐसे लिए, फिर से लास्ट वाले भी इस कॉर्ड को हम पीछे से इस तरह लाएंगे, आगे लाए हम। इसके बाद यहाँ से हमें इसे निकालना है, इस तरह निकाला, पीछे की साइड से ऊपर लाए और इसको हम इसको ऐसे टाइट करके खींच देंगे पीछे की साइड से, तो ये टाइट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह हमने इसे टाइट कर दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद पीछे की साइड हम सारे कॉर्ड को टाइट कर लेंगे इस तरह, ये हमने टाइट करे, फोर फोर कॉर्ड लेके हम पीछे की साइड एक टाइट स्क्वायर नॉट लगा देंगे ताकि ये आगे जाके लूज ना हो। सारे कॉर्ड को हमें पहले अच्छे से खींचना है, टाइट करना है इस तरह, उसके बाद एक सिंपल स्क्वायर नॉट लगा देना है हमें यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इस तरह हम सारे कॉर्ड में टाइट करके सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सिंपल स्क्वायर नॉट लगा के कंप्लीट कर लिया है दोनों साइड। इसके बाद हम कॉर्ड्स को कट करेंगे। कट करके पीछे की साइड स्टिक कर देंगे हम इसे। तो इस तरह फ्रेंड्स सारे कॉर्ड्स हमें कट करके दोनों साइड से और स्टिक कर देना है हमें। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, अंदर की साइड से हमने सारे कॉर्ड को स्टिक करके यहाँ पे चिपका दिया है। तो इस तरह हमारा स्टिक इसमें अटैच हो गया है दोनों साइड से इस तरह। अब इसके बाद हम इसका जो बैक साइड है, सॉरी इसका जो साइड वाला पोर्शन है इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये रेड कॉर्ड जहाँ हमने अटैच करा है, इस साइड का भी रेड कॉर्ड और सेकंड साइड का भी हम रेड कॉर्ड, यहाँ तक हम कॉर्ड लेंगे ऊपर की साइड। इसके लिए टोटल मैंने 16 कॉर्ड लिए हैं, 2 रेड है, 2 ऑरेंज है, येलो है, ये 2 रामा ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, ये हल्दी कलर है और ये ब्लू कलर है लाइट और ये फिर से रेड। तो इतने कॉर्ड लेके हमें यहाँ पर पाइपिंग स्टार्ट करना है। ये दोनों पोर्शन हम ऐसे बराबर कर लेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे हम। इसके बाद ये वाला रेड कॉर्ड लेंगे और इस रेड कॉर्ड पे सारे कॉर्ड से हम पाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। इस तरह टाइट हमें पाइपिंग करना है। एक कॉर्ड से हम 2 टाइम पाइपिंग करेंगे और एक कॉर्ड से हम 1 टाइम। पाइपिंग हमें टाइट करना है, कॉर्ड को टाइट खींचते हुए पाइपिंग हमें करना है।
इसके बाद हम ये कॉर्ड लेंगे, इसमें भी वन टाइम पहले एक कॉर्ड से हम वन टाइम पाइपिंग करेंगे, फिर एक कॉर्ड से हम टू टाइम पाइपिंग करेंगे इस तरह। इसके बाद हम लेंगे लाइट ग्रीन, एक कॉर्ड से हम वन टाइम पाइपिंग करेंगे और सेकंड वाले लाइट ग्रीन से टू टाइम। इसी तरह हमें कंटिन्यू करना है इसको। इसके बाद रामा ग्रीन कॉर्ड है, एक कॉर्ड से फिर से हम वन टाइम पाइपिंग करेंगे। और सेकंड कॉर्ड से टू टाइम पाइपिंग करेंगे। वन टाइम, सेकंड कॉर्ड से टू टाइम। टोटल ऊपर हमें 16 कॉर्ड लेना है। सारे कॉर्ड से आपको पाइपिंग टाइटली करनी है। वन टाइम करा हमने ऑरेंज से पहले, सेकंड वाले कॉर्ड से टू टाइम। अब फिर से रेड कॉर्ड आ गए हमारे पास इस साइड भी, तो इसमें भी वन कॉर्ड से हमें वन टाइम एंड सेकंड कॉर्ड से टू टाइम। तो हमारी इस तरह पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। एक पाइपिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास कॉर्ड अगर छोटे हो गए हैं तो इसमें हम अटैच कर लेंगे दूसरे कॉर्ड और इसको लॉन्ग कर लेंगे थोड़ा हम सारे कॉर्ड को सेम कलर से। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जितने कॉर्ड छोटे थे उन्हें सब में अटैच कर लिए हैं कॉर्ड और इनको लॉन्ग कर लिए हैं। टोटल हमारे पास अब 15 कॉर्ड बचेंगे, ये कंटिन्यूसली चलेंगे हमारे कॉर्ड पाइपिंग में। एक कॉर्ड पहले 16 थे हमारे पास, वन कॉर्ड में रेड कॉर्ड में हमने पाइपिंग कर ली है, इसलिए 16 कॉर्ड में से 15 कॉर्ड हमारे पास बचे हैं, ये रेगुलर चलेंगे। अब इसके बाद जिसमें हमने पाइपिंग करी थी इसको कट करके इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे और ये अंदर की साइड इस तरह कर देंगे इसे हम। इसके बाद यहाँ से हम, अब हमारे पास यहाँ पे लाइट ब्लू कॉर्ड आया है, इसके ऊपर हम पाइपिंग करेंगे। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिस कॉर्ड से हमने वन टाइम पाइपिंग करी थी उस कॉर्ड से अब हम टू टाइम पाइपिंग करेंगे और जिससे टू टाइम करी थी उससे वन टाइम, और पाइपिंग हमें टाइटली करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह खींच के लेना है आपको। ये देखिए, इस तरह हमें खींचते हुए पाइपिंग करना है, इससे वन टाइम करेंगे हम, क्योंकि हम पिछली बार इससे सेकंड टाइम टू टाइम हमने पाइपिंग कर ली थी, इसलिए इस बार वन टाइम। फिर से वन टाइम, टू टाइम्स, वन टाइम्स,
ये टू टाइम्स कर लिए हमने, फिर से वन टाइम्स, टू टाइम्स, लास्ट में हमारे पास वन कॉर्ड बचेगा रेड वाला, इससे हम टू टाइम्स पाइपिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेकंड टाइम भी पाइपिंग कंप्लीट हो गया है, इस तरह दिखेगा ये। इसके बाद जो ये हमारे ब्लू कॉर्ड पे हमने पाइपिंग करी थी, इसको अंदर की साइड कर देंगे हम। अब अगर कॉर्ड हमारे पास ज़्यादा पास पास आते हैं तो हम एक एक दो दो कॉर्ड छोड़ भी सकते हैं बीच में, जैसे ये हमारे पास बहुत पास में हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला ऑरेंज कॉर्ड हम अंदर कर देंगे और इस ऑरेंज कॉर्ड पे हम पाइपिंग कर लेंगे ताकि कॉर्नर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आए। अगर ये छोटा है तो इसे आप बड़ा भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जॉइंट लगा लिया है इसमें। अब हम फिर से इसमें ये हमने वन ब्लू और वन ऑरेंज कॉर्ड अंदर कर दिया है, इस ऑरेंज कॉर्ड पे सेकंड वाले पे हम पाइपिंग करेंगे। सबसे पहले रेड से करेंगे, तो रेड से हमें डबल पाइपिंग ही करना है क्योंकि ये सिंगल कॉर्ड है यहाँ पे, इसलिए हमें यहाँ पे डबल पाइपिंग करेंगे इससे, इस तरह। इसके बाद जिस कॉर्ड से हमने डबल करी थी उससे सिंगल करेंगे, बस इसी तरह हमें कंटिन्यू करते जाना है फ्रेंड्स। इसके बाद टू कॉर्ड हमारे पास यहाँ पे रेड वाले बचेंगे, तो वन कॉर्ड से हम सिंगल पाइपिंग करेंगे और सेकंड वाले कॉर्ड से डबल पाइपिंग कर देंगे। ये हमने डबल पाइपिंग कर दी, इस तरह हमारा कॉर्नर आना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद जिस कॉर्ड पे हमने पाइपिंग करी है उसको हम अंदर की साइड कर देंगे। इसके बाद आपको देखना है कि अगर ये कॉर्ड ज़्यादा पास में आ रहा है तो इसे हम छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारे पास दो कॉर्ड है, इसको भी अंदर कर देंगे हम। एक ब्लू कॉर्ड भी हमारे पास बचा है, इसे भी हमने अंदर कर दिया।
ये भी बहुत पास में आ रहा है, पाइपिंग अच्छी दिखाई नहीं देगी, इसलिए इसे भी हम अंदर कर देंगे। अब ये वाला कॉर्ड थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो इस कॉर्ड पे हम सारे कॉर्ड से फिर से पाइपिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली पाइपिंग भी हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद ये जो कॉर्ड छोटा है हमारा, इसको हम अंदर कर देंगे। इसको हम छोटा करके यहाँ पे इस लाइटर से स्टिक करते जाएंगे पीछे की साइड। ये कॉर्ड बहुत पास हो रहा है, इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद फिर से हम इस कॉर्ड पे पाइपिंग करेंगे बीच के सारे कॉर्ड से। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमें पाइपिंग कंप्लीट करते जाना है, और जो कॉर्ड छूटेंगे उसे हम अंदर की तरफ स्टिक करते जाएंगे साथ में। अब ये कॉर्ड हमारा अंदर जाएगा, इसलिए हम इसको हम छोटा कर देंगे। ये हो गया, इसको हमने अंदर कर लिया। अब यहाँ पे कॉर्नर पे जो कॉर्ड है, ये देखिए कॉर्नर वाला कॉर्ड हमने एक बड़ा कर लिया है। इस पे हम सिंपल पाइपिंग करते जाएंगे वन टाइम इस तरह, और इसको स्टिक करते जाएंगे साथ में। ये हमने पाइपिंग करी, अब इसको यहीं के यहीं हम स्टिक कर देंगे। इसके बाद जो जो कॉर्ड हमारे छूटेंगे उससे वन टाइम हम पाइपिंग करेंगे अंदर से, ताकि अंदर भी नीट एंड क्लीन वर्क दिखे हमारा। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। और अंदर की साइड स्टिक कर देंगे इसे हम। इसके बाद इसमें हम पाइपिंग कर देंगे। कुछ कॉर्ड अगर बड़े हैं तो उससे हम डबल पाइपिंग भी अंदर की साइड कर सकते हैं। इसे कट कर लेंगे हम। और अंदर की साइड स्टिक कर देंगे तो इस तरह ये दिखाई देगा। ये येलो कॉर्ड हमारा अभी हाल, इसे हमने पाइपिंग करी, इसे भी हम अंदर की साइड भी एक बार पाइपिंग कर लेंगे। इस तरह स्टिक कर देंगे इसे। इसी तरह दूसरे साइड भी करेंगे हम। इसमें भी इस कॉर्ड पे हम पाइपिंग कर लेंगे। इसको अंदर की साइड स्टिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह पाइपिंग करते हुए हमें कट करके स्टिक करना है।
तो फ्रेंड्स इसी तरह हमें कंटिन्यू करते जाना है, तो इस तरह हमारा पैटर्न इस साइड भी कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये हम सीधी साइड से ही इसे कंप्लीट कर रहे हैं, इसे हमने अंदर की साइड से फोल्ड करके उल्टा नहीं करा है, तो सीधी साइड से ही करते जाएंगे। और अंदर की साइड जो कॉर्ड हमारे छूटेंगे उसको हम स्टिक करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैग बनके शॉपिंग बैग बनके कंप्लीट हो गया है, मैंने दोनों साइड ये कंप्लीट कर लिए हैं। और अंदर की साइड से भी हमारा बैग नीट एंड क्लीन दिख रहा है, इस तरह हमने स्टिक कर लिए हैं सारे कॉट को। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैक्रम मैजिक आर्ट। और प्लीज़ फ्रेंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, नमस्कार।